हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो यानी कि हैशटैग स्विच गियर का पहला वीडियो है। और गाइस, अब से इस चैनल पे आपको हर मंडे स्विच गियर से रिलेटेड जो है वीडियोस की अपडेट मिलेंगे। तो गाइस, आखिर ये स्विच गियर क्या है यानी कि बेसिक सा एक आज का ये वीडियो रहने वाला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्विच गियर के बारे में। तो गाइस, प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो या फिर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आखिर ये स्विच गियर क्या है। तो गाइस, ये जो स्विच गियर है, ये स्विच गियर के वर्ड से ही हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्विच के बारे में बात हो रहा है। तो अगर हम लोग इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्विच गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जो रिले और दूसरा सर्किट ब्रेकर, इन दोनों को स्विच गियर के कैटेगरीज में लाया जाता है। गाइस, हम लोग जो एक MCB यूज़ करते हैं, उस MCB से स्टार्ट करके VCB तक यानी कि वैकेंट सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर तक जो है ये पूरा का पूरा स्विच गियर पे आता है। यानी कि सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड ही जो है स्विच गियर में बातें होते हैं। गाइस, ये स्विच गियर जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक इंडोर और दूसरा आउटडोर। तो गाइस, आउटडोर में जो है अबव 66 kV के ऊपर के जो इक्विपमेंट है यानी कि सर्किट ब्रेकर से उसके ऊपर काम होता है, और इंडोर जो स्विच गियर है उसमें 66 kV से नीचे के जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर काम होता है। तो गाइस, इंडस्ट्रियल पर्पस से हम लोग जो है इंडोर स्विच गियर का यूज़ करते हैं। ये इंडोर स्विच गियर में जो है बेसिकली हमारे MCB से स्टार्ट करके SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर तक का पूरा सिस्टम जो है वर्क में आता है। गाइस, अब गाइस, ये जो स्विच गियर है ये लगाने का पर्पस बस इतना है कि किसी भी कारण अगर हमारे सिस्टम में कोई एबनॉर्मल करंट आता है यानी कि शॉर्ट सर्किट के वजह से अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मल करंट अगर हमारे इक्विपमेंट तक जैसे ना पहुंच पाए, जिसके वजह से हम लोग ये स्विच गियर्स का इस्तेमाल करते हैं यानी कि सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा स्विच गियर के से रिलेटेड, और ये जो है एक स्विच गियर से रिलेटेड एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था। अब से हर वीक के मंडे को आपको जो है स्विच गियर से रिलेटेड वीडियोस की अपडेट मिलेगी। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस है उसकी अपडेट आपके तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।